हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच्चे ते सामर्थी परमेश्वर जी, प्रभु जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे महान परमेश्वर जी, अज दे इस सुंदर समय दे लई प्रभु जी, जो तुसी अपने बच्चियां दे लई ठहराया मेरे महान परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी, मैं तुहाडा दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि खुदा सचमुच तुसी सानू सब नू प्रभु जी इस योग्य समझिया कि खुदा असी आज दे इस सुंदर और पवित्र दिन नू देख सकिए मेरे महान परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी, मैं तुहाडा दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि प्रभु जी तुसी सानू सब नू खुदा इस प्रार्थना दे विच अपने नाल इकट्ठियां कीता, शामिल कीता प्रभु जी, एक वड्डी चंगियाई दे लई, एक वड्डी बरकत दे लई। मेरे जिंदा परमेश्वर जी, तुसी महान हो प्रभु, खुदा तुहाडे काम साडे जिंदगियां दे विच वड्डे और अद्भुत हन प्रभु। सचमुच तुसी कदे भी सानू कल्या नहीं छड़दे, अनाथ नहीं छड़दे, हमेशा प्रभु संभाल के रखदे जे अपने पवित्र खंभां दे नाल, क्यों जो प्रभु सचमुच तुसी साडे नाल बहुत वधीक प्रेम करदे जे। और मेरे जिंदा परमेश्वर, तुहाडा प्रेम सच्चा है खुदा। असी अपनी इच्छा जां अपनी मर्जी दे नाल इस प्रार्थना दे विच शामिल नहीं हुए, बल्कि प्रभु जी ये तुहाडा प्रेम और पवित्र आत्मा है जो सानू इस प्रार्थना दे विच लै के आए। मेरे महान खुदा, तुहाडे वचन च लिखिया है, तुसी कहा जिथे दो जां दो तों वध मेरे नाम दे विच इकट्ठे हुंदे हन, मेरा आत्मा उस जगह दे उपर मौजूद हुंदा है। मेरे महान परमेश्वर जी, अज तुहाडा आत्मा खुदा इस जगह दे उपर मौजूद है, साडी प्रार्थना नू साडी बेनती नू सुन के पूरियां करन दे लई मेरे जिंदा प्रभु जी, क्यों जो खुदा तुसी दयावान परमेश्वर जी, खुदा सचमुच तुसी साडी प्रार्थना नू तुसी साडी बेनती नू खुदा हमेशा कन ला के सुनते जे, क्यों जो तुसी कहा है कि तू मैनू पुकार अते मैं तेरी प्रार्थना नू सुनागा, मैं तेनू उत्तर देवांगा। प्रभु तुसी हमेशा साडी प्रार्थना दा उत्तर दिंदे जे, साडी प्रार्थना नू सुनते जे, कबूल करते जे, क्यों जो प्रभु है तुहाडा प्रेम है। मेरे महान खुदा, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु कि तुसी सानू बीते समय च खाण लई भोजन दिता प्रभु जी, पहनन दे लई कपड़े दिते, सुंदर साह दिते खुदा, जो केवल तुहाडे वल्लों मिलदे हन मेरे महान परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी, सचमुच खुदा तुसी सानू संभालिया, साडे परिवार नू संभालिया प्रभु जी, बच्चियां नू संभालिया, घर आउण अते जाण दे विच रस्तियां दे विच प्रभु जी तुसी साडी मदद और सहायता कीती अपने स्वर्ग दूतां दे नाल। मेरे महान परमेश्वर जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसी सानू रात पर भी मिठी नींद दे के संभालिया प्रभु जी। अज खुदा तुसी सानू मिठी नींद तो जगाया, इस पवित्र दिन नू दिखाया परमेश्वर जी, खुदा जिसनू तुसी अपने हुक्मां दे द्वारा रचिया सी। मेरे महान खुदा, तुहाडे वचन बयान करदे हन प्रभु कि इह सृष्टि बेडोल सी, सुंझी सी, इस उपर कुछ भी नहीं सी, हनेरा सी, तुहाडे हुक्मां ने परमेश्वर इस उपर चानण कीता, और खुदा असी अज उस चानण नू उस दिन नू देख रहे हैं मेरे परमेश्वर जी। बहुत सारे लोग इस पवित्र दिन का आनंद नहीं मान सके, पर परमेश्वर सचमुच तुसी अपनी दया साडे उपर कीती मेरे महान खुदा जी। प्रभु सचमुच तू मेरा बल है, तू मेरी बुद्धि है प्रभु जी, तू मेरी चट्टान है, तुसी साडे मस्तक नू परमेश्वर जी हमेशा बहुत उच्चियां करदे जी, खुदा सानू पूछ नहीं सिर ठहराउंदे जी, सब जातियां नालों उच्चियां करदे जी। मेरे जिंदा परमेश्वर जी, मैं जिन्नी भी प्रभु तारीफ महिमा वड्याई इन्हां शब्दों द्वारा तुहाडी करां, खुदा वो घट है, क्यों जो तुहाडे उपकार दया
प्रेम बहुत वड्डा है साडियां जिंदगियां दे विच मेरे महान परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी, अगर बीते समय च साडे कोलों कुदा जाने अनजाने च किसी भी तरह की कोई बदी, कोई पाप, कोई अपराध जां कोई गुनाह हो गया होवे, खुदा जिस तो असी अनजाण हाँ, मेरे जिंदा परमेश्वर जी सानू माफ़ करना, क्यों जो प्रभु तुसी माफ़ करने वाले न्यायी परमेश्वर जी। तुहाड़े वचन च लिखिया है कि जो मुँह तो अंगीकार करके अपने पापा का दिल तो पश्चाताप करके हरेक बुरियाई नू, पाप नू, अपराध नू छड़दे हन और इकरार करते हैं कि यीशु मेरे प्रभु आ, प्रभु जी तुसी उन्होंने माफ़ कर देंदे जी, मेरे महान परमेश्वर जी तुसी सानू भी प्रभु माफ़ किया, अपने पवित्र लहू नू बहा के प्रभु जो पाप की सज़ा, खुदा जो अपराध की सज़ा साढ़े उपर आनी सी, परमेश्वर तुसी अपने प्रेम दे सद के उस सज़ा नू खुदा अपने उपर लै लिता, सानू आज़ाद किया परमेश्वर, सानू छुड़ाया परमेश्वर जी। मैं तुहाडा धन्यवाद करता प्रभु इस छुटकारे दे लई कि तुसी अपने पवित्र लहू नू बहा के प्रभु सानू मुल लै लिया, मेरे जिंदा परमेश्वर जी अपने पवित्र लहू नू दे के सानू आज़ाद कराया परमेश्वर, इस आज़ादी दे लई मैं तुहाडा दिल तो धन्यवाद करदा प्रभु जी। खुदा सचमुच अज जो भी लोग खुदा इस प्रार्थना दे विच शामिल हन, मेरे जिंदा परमेश्वर जी, जां इस प्रार्थना नू प्रभु पूरे विश्वास के द्वारा एक मन हो के सुन रहे हैं प्रभु जी, खुदा मैं हरेक दे लई प्रार्थना करना कि खुदा इन्हां दा कदे भी विश्वास ना घटे परमेश्वर जी। खुदा सचमुच तुहाडे वचन दसदे हन कि दुष्ट हमेशा इन्हां दे विश्वास नू घटाउंदा है और सचमुच फिर इन्हां नू नाश करदा है। खुदा मैं प्रार्थना करदा कि दुष्ट की यह योजना कदे भी इन्हां दे जीवनां दे विच पूरी ना होवे मेरे जिंदा परमेश्वर जी। खुदा सचमुच मेरे महान खुदा कदे भी दुष्ट परमेश्वर इन्हां दे विश्वास नू घट ना कर पाए यीशु दे नाम दे विच मेरे जिंदा प्रभु जी, क्यों जो तुहाडे वचन जबूर 125 दी एक दे विच लिखा, जेड़े यहोवा उत्ते भरोसा रखते हैं वो सियोन दे पहाड़ वर्गे हैं, जो नहीं डोलते सगों सदा लई अटल रहिंदे हन। परमेश्वर सचमुच जो तुहाडे उपर निश्चा रखते हैं, विश्वास रखते हैं प्रभु, सचमुच वो सियोन दे पहाड़ वर्गे हैं खुदा। ये लोग भी परमेश्वर, तुहाडे बच्चे भी खुदा सचमुच सियोन दे पहाड़ वांगू परमेश्वर एक जगह दे खड़े रहने यीशु दे नाम च। खुदा सचमुच दुष्ट कदे भी इन्हां नू हिला ना सके इन्हां दे राहां दे उपरों मेरे जिंदा परमेश्वर। कोई भी बीमारी खुदा सचमुच, कोई भी दुष्ट की ताकत खुदा कदे भी इन्हां नू इन्हां दी जगह तो हिला ना सके मेरे जिंदा परमेश्वर जी। प्रभु तुहाडा आत्मा खुदा सचमुच इन्हां दे नाल है मेरे जिंदा परमेश्वर जी, क्यों जो खुदा तुहाडे वचन इब्रानिया 10:23 दे विच लिखिया, असी आस दे सच्चे इकरार नू तकड़ाई नाल फड़ी रखिए क्योंकि जिन्हें वादा किया है वह वफादार है। परमेश्वर सचमुच प्रभु तुसी वफादार जे, खुदा असी हमेशा तुहाडे नाल तकड़ाई दे नाल चलीए, खुदा सचमुच असी बेडोल हो के प्रभु तुहाडे नाल नाल चलीए। सामर्थी परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करना कि असी मजबूती दे नाल खुदा हमेशा तुहाडे वचनां नू मनी और तुहाडे वचनां दे उपर चलीए मेरे जिंदा परमेश्वर जी। खुदा तुहाडे वचन जबूर 146 दी 5 दे विच लिखिया, धन वो है जिहदा सहायक यकूब दा परमेश्वर है, जिहदी आसां अपने परमेश्वर उत्ते हन। खुदा सचमुच इन्हां दीआं आसां प्रभु तुहाडे उपर हन और खुदा सचमुच मेरे जिंदा परमेश्वर जी, इन्हां दी आस प्रभु जी कदे भी शर्मिंदा ना होवे मेरे जिंदा खुदा जी। मेरे महान परमेश्वर तुहाडे वचनां नू सुणन खुदा जी और खुदा इन्हां दे अंदर बहुत सारा विश्वास आवे, वचन तुहाडे परमेश्वर इन्हां दे अंदर विश्वास लै के आउण, क्यों जो प्रभु तुहाडे वचन
रूमिया 10:17 दे विच लिखा, सो विश्वास सुनन नाल अते सुनना मसीह दे वचना तो आउंदा है। मेरे महान परमेश्वर जी हमेशा खुदा तुहाडे वचना नूं सुन के प्रभु इहनां दे अंदर विश्वास ठहर जाए यीशु दे नाम दे विच। मेरे जिंदा खुदा दुष्ट कदे भी परमेश्वर इहनां दे मकसद तो इहनां नूं हरा ना सके। मेरे जिंदा परमेश्वर जी खुदा सचमुच खुदा जो भी परमेश्वर इहनां दी जरूरत है खुदा तुसीं जाणदे जे। एक इंसान प्रभु किसी इंसान के मन को नहीं जान सकता, बल्कि प्रभु तुहाडा पवित्र आत्मा डूंघियाइयां तक इंसान के मन को जानता है। प्रभु जी तुसीं जाणदे जे कि अज इन्हां नूं किस वस्तु की जरूरत है। परमेश्वर जी खुदा तुसीं जाणदे जे कि इन्हों किस चीज़ की घाट है। मेरे जिंदा परमेश्वर जी मेरे महान खुदा सचमुच मेरा विश्वास है खुदा जो भी इन्होंने विश्वास के द्वारा प्रभु तुहाडे कोलों मंग रहे हैं जा मंगया है खुदा सचमुच तुसी इन्हां दी आस नूं कदे भी शर्मिंदा नहीं होन दोगे, क्यों जो प्रभु तुहाडे वचन इब्रानियां 11:1 दे विच लिखा, हुण निश्चा आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है अते अणडिठ वस्तां दी सबूती है। परमेश्वर सचमुच जो लोग विश्वास के द्वारा अनदेखा विश्वास करते हैं प्रभु तुहाडे उपर और सचमुच विश्वास करते हैं कि मेरा जिंदा परमेश्वर साड़ी प्रार्थना नूं साड़ी बेनती नूं हमेशा सुन के पूरा करेगा। खुदा सचमुच मेरे जिंदा प्रभु तुसीं कहा है कि तो जैसा तुहाडा विश्वास है तुहाडे लिए वैसा ही हो जाएगा। मेरे जिंदा प्रभु इन्हां दे उपर सचमुच तुहाडा कृपा वाला हाथ दया वाला हाथ परमेश्वर जी बने रवे। मेरे जिंदा परमेश्वर जी खुदा दुष्ट कदे भी इन्हां दे राहां तो मेरे जिंदा परमेश्वर जी इन्हां नूं खेड़ ना सके। मेरे महान खुदा जी खुदा सचमुच तुहाडे वचन जशाया 28:16 दे विच लिखा, जिहड़ा विश्वास करदा है वह काली नहीं करेगा। प्रभु सचमुच मेरे जिंदा परमेश्वर लोग काली कदे भी नहीं करनगे खुदा, इन्हां दे दिलां दे विच कदे भी कालापन नहीं होगा। सचमुच ये धीरे जवान हैं मेरे जिंदा परमेश्वर जी, ये खुदा सचमुच तुहाडी प्रतीत करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर जी, क्यों जो खुदा सचमुच जो तुहाडे उपर प्रतीत करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर जी सचमुच कदे भी लज्जावान नहीं होंगे, क्यों जो तुहाडे वचन यूहन्ना 7:38 दे विच लिखा, जे कोई मेरे उत्ते विश्वास करता है तो लिखित अनुसार अमृत जल दियां नदियां उसके अंदरों वगणगियां। सचमुच मेरे जिंदा परमेश्वर इन्हां दे अंदरों खुदा तुसीं अमृत जल दियां नदियां वगाउण वाले परमेश्वर जी। मेरे जिंदा खुदा सचमुच मेरा विश्वास है खुदा अज तो कदे भी विश्वास के पिछे नहीं हटेंगे। मेरा विश्वास है खुदा विश्वास के दिन प्रतिदिन वादे जाएंगे खुदा तुहाडा आत्मा इन्हां नूं वधावेगा। मेरे जिंदा परमेश्वर जी मैं खास उन्हां बच्चियां दे लई उन्हां लोकां दे लई प्रभु जी प्रार्थना करदा प्रभु सचमुच खुदा जो तुहाडे कम्मां नूं कर रहे हैं खुदा तुहाडे सुसमाचार नूं बहुत सारे लोकां तक पहुँचा रहे हैं परमेश्वर, इस प्रार्थना नूं बहुत सारे लोकां तक पहुँचा के खुदा हरेक दा भला कर रहे हैं खुदा। सचमुच मेरा विश्वास है खुदा उन्हां दे जीवन दे विच खुदा तुसीं उन्हां दी सोच तो भी वधीक काम करन जा रहे जी। मेरे परमेश्वर जी तुहाडा दया वाला हाथ हमेशा ही परमेश्वर उन्हां दी सहायता करेगा और खुदा जो लोग अपने बीज नूं अपने दसवांत नूं परमेश्वर जी सचमुच तुहाडे राज लई तुहाडे कम्मां लई बीज रहे हन मेरे जिंदा परमेश्वर जी सचमुच खुदा मेरा विश्वास है खुदा तुहाडा आत्मा खुदा उन्हां दे जीवनां दे विच खुदा हज़ार गुणा उन्हां नूं फल देवेगा यीशु दे नाम दे विच खुदा। इन्हां नूं कदे भी घटी नहीं रहेगी किसी चीज़ की घटी नहीं रहेगी खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर जी तुहाडे वादे हैं तुहाडे वचन साडे लिए वादे हैं परमेश्वर, तुसीं वादे कीते हैं कि मैं तुहानूं कदे भी किसी वस्तु की घाट नहीं आउण दवांगा प्रभु। जो सच्चे हिरदे नाल बीज रहे हैं मेरा विश्वास उन्हां नूं कदे भी घाट नहीं आएगी और खुदा मैं प्रार्थना करदा ना लोकां लई प्रभु जो लोग अपने कम्मां दे लई पढ़ाई दे लई खुदा घरां तों निकल रहे हैं रस्तियां दे विच हैं परमेश्वर सब की तुसी मदद और सहायता करना खुदा एक घर के वापस सही सलामत आनता आत्मा उन्होंने लैके आए दुष्ट की योजना प्लैनिंग खत्म करदा यीशु के नाम च इसे पल खत्म हो जाए और धन्यवाद करदा कि प्रभु तुसी साड़ी प्रार्थना सुन लिता है और पूरिया भी कर दिता यीशु मसीह के समर्थी नाम च मंगते हाँ आमेन।